अब बारी आती है छिलका लेके कुछ फैक्ट्स के बारे में। देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स मेजर ये हैं। क्या नहीं बताएंगे हमारे जय भाई, ध्यान से सुने। सबका बड़ा है मंदिर, मंदिर कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एज प्रॉमिस्ड मैं 5 बजे उठ के प्रॉपर रेडी शेडी होके तैयार हूँ जाने के लिए। सनराइज दिखाना है आपको मैंने। वेलकम टू अनदर व्लॉग। टुडे इज 28th December एंड हाँ थोड़ा सा गला ऑफ लग रहा होगा आपको, मॉर्निंग वाला ही है। द पॉइंट इज मम्मा पापा दोनों रेडी नहीं हुए अभी। मेरे को कहते उठ जाना, उठ जाना टाइम पे, उठ जाना टाइम पे। मैं उठ के रेडी हो गया हूँ, ये लोग अभी रेडी प्रॉपर नहीं हुए। बोलने के जैसे हो चल पड़ो, लेट्स गो, चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर। जैसा कि मैंने कहा था लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, तो पहुंच जाएंगे। मम्मा भी टाइम पे फाइनली आएंगे और पापा भी। शुरू होने ही वाला है थोड़ी देर में सनराइज, तो प्रॉपर कैप्चर करके दिखाऊंगा। आज हुई है गजब बेइज्जती, थोड़े से हो गए हैं क्लाउड्स एंड फॉगी हो रहा है इस टाइम पे, देख सकते हैं। सनराइज़ का वैसे तो टाइम था 6:10, यहाँ पर जो लिखा हुआ है गूगल पे देखा था 6:23, बट इट्स ऑलरेडी 6:55 एंड अभी तक प्रॉपर सनराइज़ देखने को नहीं मिला। आई थिंक सनराइज़ एक्चुअली हो चुका है, बट वो क्लाउड्स की वजह से सन थोड़ा सा पीछे है। तो बट स्टिल आई एम गोइंग टू वेट अ लिटिल बिट मोर, लेट्स सी अगर कुछ अच्छा व्यू मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। डोंट गिव मी होप। सो सॉरी सनराइज़ का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को कोल्ड ज़रूर हो गया इतनी सुबह सुबह नहाकर ठंड में यहाँ पर आने का, क्योंकि हाँ यहाँ पर ठंडी जो ठंड थी वो काफ़ी ज़्यादा है। और है भी देखो 28 दिसंबर, कहीं ना कहीं 28 थी, हाँ 28 दिसंबर, तो कहीं ना कहीं ठंड तो लगनी ही थी। एंड बट डोंट यू वरी, सनराइज़ नहीं दिखा पाया तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा और व्यूज़। और अभी हमने बहुत घूमने जाना है, आज हमने लेक पे जाना है, एक आइलैंड पे जाना है, एक बोटिंग भी करने जाएंगे, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अभी बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एंड तक ज़रूर देखो और मैं मिलता हूँ थोड़ी देर तक। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, कैब मेरी टेढ़ी है मेरे को पता है, लेकिन हम पहुँचे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा पहले आज ब्रेकफास्ट पहले कर लेंगे, थोड़ी सी जगह पे दिख गया, और ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही देन वी गो, ताकि टाइम ज़्यादा लगे। 2 घंटे की ड्राइव है, ज़्यादा ड्राइव नहीं है, तो फटाफट पहले खाना खा लेते हैं, पेट पूजा हो जाए वो बहुत ज़रूरी है। आज मेरे को कुछ काम भी है फ़ोन पे काफ़ी, इसलिए आज मैं ड्राइव शायद नहीं करने वाला हूँ, पीछे बैठ के काम करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8,
बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर जरूर है, लेकिन अगर 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 आपको स्पाइसी फूड अच्छा लगता है तो ये है हमारा वो स्पाइसी। अब तो अभी हमने काफ़ी प्लेट्स खाली कर दी, भरी हुई भी आपके साथ मैंने सोची शेयर की थी। मसाला डोसा भी आया था एंड साउथ इंडियन खाना है तो ऑथेंटिक साउथ इंडियन, तो आपको आपको साउथ इंडिया वाली साइड ही मिलेगा। हाँ, मिर्ची ज़्यादा लगे जो कि लगेगी पक्का, रबड़ी ज़रूर खा लेना इस तरीके की। आपको यहाँ पर मछली वाली रबड़ी यहाँ पर मिल जाती है जिसको आप डेफिनेटली। नेशनल हाईवेज तो बहुत देखे होंगे लेकिन ऐसी रोड पे चलाने का गाड़ी या फिर साथ में बैठने का अलग ही मजा है। अभी बढ़िया सा व्यू दिखाऊंगा, डोंट यू वरी, मस्त सा। अब बारी आती है छिलका लेके कुछ फैक्ट्स के बारे में। देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स मेजर ये हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्टल लेगून माना जाता है इसको, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट 1100 स्क्वायर किलोमीटर की कंप्लीट लेक है जहाँ पर आज हम आए हैं। बेसिकली आए हैं इसकी बर्ड सेंचुरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर यानी कि दिसंबर में नॉर्थ एशिया वाले जितने रीजन्स हैं इंक्लूडिंग रशिया, सीरिया, साइबेरिया, वहाँ से बर्ड्स आते हैं यहाँ पर माइग्रेट करके, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ विंटर्स ज़्यादा हैं तो बर्ड्स आएंगे कहाँ, साउथ एशिया की तरफ। इस लेक को सबसे ज़्यादा माना जाता है, 160 स्पीसीज़ टोटल यहाँ पर आती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है,
कई जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि मिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी लेक है, तो ऑब्वियसली अनएक्सप्लोर्ड भी होगी, तो काफ़ी हद तक अभी देखा भी नहीं गया इसके अंदर है क्या क्या, तो नए तरीके कुछ निकला है तो कुछ कह नहीं सकते। बट कमाल की बात ये है कि इतनी, देखो मेरे, मैंने तो नहीं ज़्यादा सुना था इस बारे में, जब पता लगा यहाँ पर आके मुझे पता लगा कि ये इतनी बड़ी 1100 स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज़्यादा एरिया होता है। एंड उससे भी बड़ी बात कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट और इंडिया की लार्जेस्ट लगून, जिसको कोस्टल लगून कहते हैं, एंड अमेजिंग। चलो अब इसको आपको प्रॉपर बर्ड सेंचुरीज की दिखा देता हूँ, रुको और दूर से दिखाता हूँ। गाइस बैटरी थोड़ी कम है, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा आपको। चिल्का लेक वाला जो हमारा एरिया है जहाँ पर पानी थोड़ा कम है, वहाँ पर रुके हैं एंड बोट से उतर गए हैं, थोड़ा चल कर देखना चाहते थे। यहाँ पर एक तरीके छोटा आप आइलैंड समझ सकते हैं, छोटा सा ये बताना इजी है, बट ये तो आपको आके ही ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, और आएंगे तो जय भैया से ज़रूर मिलना। उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया, और करते हैं अभी हम वापस जाएंगे तब तक करते रहेंगे जैसे सब कुछ बताया। दिस इज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट लगून, इन बॉडी लगून, इन बॉडी लेक अभी अगर हम बोलें तो सबसे बड़ी है इन द वर्ल्ड। यहाँ पर अगर गाड़ियाँ शूट कर सकते तो कैसे लेजेंड होता है, बट ऑब्वियसली इतने छोटे आइलैंड में गाड़ी कैसे लेके आएंगे, ये लिफ्ट करानी पड़ेगी साथ। अब मैं आपको बहुत बढ़िया स्टोरी बताना रहा हूँ, एक्चुअली मैं नहीं, बताएंगे हमारे जय भाई, ध्यान से सुने। सबका बड़ा है मंदिर, मंदिर कैसे बड़ा, मंदिर कैसे बड़ा, पर्वत का नीचे का, जितना बड़ा मंदिर होगा पर्वत का नीचे, मंदिर बड़ा नहीं पर्वत बड़ा, पर्वत कैसे बड़ा, हनुमान जी के हाथ में खड़ा, जब ये लक्षण शक्ति में तो हुआ हनुमान जी गंदाबाद में पहचाना नहीं, एक पहाड़ उठा के ले आएगा, तो पहाड़ बड़ा नहीं हनुमान जी बड़ा, हनुमान जी आप कैसे बड़ा, राम जी का पाव पड़ा, पाव पड़ने लोगों को ही बड़ा नहीं, राम जी बड़ा हनुमान जी आप बड़ा नहीं, राम जी आप कैसे बड़ा, रावण का पीछे पड़ा मानने के लिए, आप बड़ा नहीं रावण जी बड़ा, रावण जी आप बड़ा ना, आप कैसे बड़ा, सीता का पीछे पड़ा, सबका बड़ा है मंगला जोड़ी जोड़ी मंगला, इसे के लिए हम गांव का नाम मंगला जोड़ी जोड़ी मंगला, मंगला जोड़ी से ज़्यादा वेराइटी बर्ड्स और 250 बर्ड्स के लिए आप आया, सबसे बोलो जय मंगला जोड़ी, जय मंगला जोड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मंगला जोड़ी आए बर्ड सेंचुरी यहाँ पर देखें और जय भाई से ज़रूर मिले।